मेरा एक्चुअल द पार्ट टू है। आज मैं आपको दो रो पंजाबी की सिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्का, कक्का हिंदी का क होता है। अगर हम र के बीच में यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो वो क बन जाएगा। नेक्स्ट खक्खा, खक्खा सेम ही होता है, बस हम गोले की जगह यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, दैट इज खक्खा। नेक्स्ट गग्गा, गग्गा एकदम सेम होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि ग ट और ठ सेम होते हैं, तो गग्गा सेम होता है। नेक्स्ट कग्गा, पंजाबी में फोर्थ लेटर की साउंड चेंज होती है, दिस इज कग्गा। कग्गा पंजाबी का मतलब हिंदी का घ होता है, घ घर वाला घ, तो उसको कैसे लिखते हैं जल्दी जल्दी सीख लो, ऊपर से ऐसे ऐसे ख जैसा होता है कग्गा। नेक्स्ट अंगा, इसको हम अंगा कहते हैं, ये फाइव जैसी बनती है, ऊपर से ऐसे लेके जाओ, फाइव बना दो और नीचे से मोड़ दो, दिस इज अंगा। नेक्स्ट चच्चा, चच्चा च चम्मच वाला होता है, इसको आप ऊपर से ऐसे लेके जाओगे और इसको यहाँ से मोड़ दोगे, दिस इज चच्चा। इससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि आप जल्दी जल्दी सीखोगे। लास्ट वाली जो मेरी पहले वाली वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि उसमें मुझे बेसिक्स बनाने थे। नेक्स्ट छच्छा, छच्छा आप नॉर्मली ह जैसा बनाओगे, तो देखो ह बना लो उसके बाद उसको मोड़ दो, दिस इज छच्छा। नेक्स्ट जज्जा, जज्जा कुछ ऐसा होगा। अगर आप कभी गुरुद्वारे में विजिट करते हो तो आपको ये वाला लेटर जरूर दिखाओ क्योंकि ये ज़्यादातर यही यूज होता है, दिस इज। मेरे घर में कुछ काम चल रहा है तो आपको कुछ आवाज़ें ज़रूर आएंगी। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ लेटर की साउंड चेंज होती है, तो वो यह है झ, झ को हम पंजाबी में झज्जा नहीं बोलते, चज्जा बोलते हैं, चज्जा। ये इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऊपर से आप ट्रायंगल टाइप बनाओगे ऐसे और उसके बाद मोड़ दोगे और फिर साइड में लाइन बनाओगे, दिस इज चज्जा। नेक्स्ट निया, निया आप ह जैसी बनाओगे उसके बाद आप ऊपर लाइन लगा दोगे, दिस इज निया। ये ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इससे और इससे स्टार्ट हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस।